नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट नहीं करते, लाइक शेयर नहीं करते। देखिए, मैं इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ और सिर्फ हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आपको पसंद आ रहा है, आपका एक छोटा सा लाइक आप नहीं जानते मुझे कितनी ताकत देता है। जो आप मुझे कमेंट भी करते हैं, आप ऐसा वीडियो चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में ये दिक्कत है, मैं उस हिसाब से भी वीडियो तैयार करती हूँ। सिर्फ लाइक जो आप करते हैं, आप उसको थैंक यू वहां बोलते हैं, और जो रिपीटेडली लोग बोलते हैं, आप नहीं जानते आप मेरे लिए कितने अहमियत रखते हैं। कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, मेरी टीम भी ये फॉलो देखती है, वो हमेशा कमेंट थैंक यू ग्रेटिट्यूड का हमेशा करते हैं। जैसे हमारे सुमित जी हैं, कुछ लोगों के मुझे नाम भी रिपीटेडली याद है क्योंकि उनके कमेंट बराबर आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उनकी मेमोरी रहती है। तो आप जो लाइक शेयर कर रहे हैं, आप नहीं जानते आप मुझे कितनी बड़ी ताकत दे रहे हैं। आपका लाइक, आपका शेयर, या आप वहां कमेंट थैंक यू का भी लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड का लिखते हैं, या थैंक यू सो मच मैम, हमें ऐसा इंटेंशन आई और आपने उसी पे वीडियो बना दिया, इस तरह के आप कमेंट्स भी करते हैं, तो वो भी मुझे बहुत ताकत देते हैं। तो मैं यही चाहूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को भी अच्छा लगे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं आपसे एज अ फैमिली, हम एक परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। आज हम रेखी क्या है इस पर बात करेंगे, या रेखी क्या होती है। लोगों को बहुत भ्रम है रेखी को लेकर, और वो ये सोचते हैं ये कोई जादू है, बस एक छड़ी घुमाइए और सामने कोई चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आखिर क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, आज मैं इस पर बात कर रही हूं। रेखी एक पॉजिटिव एनर्जी है। रेखी एक वो शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों अनुसार भगवान ने दी है। भाई, जब ऊपर हम होते हैं, हम अपने माता पिता को चुनते हैं, हमारी जो सोल होती है, जो हमारी इनर सोल होती है, वो चुनती है, पहले उस सोल को हर जगह जाती है, अपने कर्मानुसार वो अपने माता पिता को देखती है, समझती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति गरीब का ही जन्म लेगा, या हर व्यक्ति उच्च कुल में ही पैदा होगा, नहीं, या हर व्यक्ति औरत ही बनेगा या आदमी ही बनेगा, ये उसके कर्मों अनुसार डिसाइड होता है। भगवान कहता है जाओ और अपने अनुसार, अपनी सद्बुद्धि विवेक के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार उसे चुनो। अब आप उसे चुनते हैं और यहां पर आते हैं। जब आप यहां पर आते हैं तो एक दिव्यता आपको भगवान देता है, वो होती है आपकी स्वयं की इनर सोल की ऊर्जा शक्ति, जिसे हम ऊर्जा शक्ति कहते हैं, जिसे हम वो शक्ति कहते हैं जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होती है। जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो एक रेखी है, जो हम प्राण ऊर्जा हमारी उसी के अंतर्गत आ जाती है। ये प्राण ऊर्जा आपके कर्मों को, आपकी तरक्की को डिसाइड करती है। अब आप जुड़ते हैं, आप अध्यात्म से जुड़ते हैं और धीरे धीरे आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं। जैसे किसी के घर में मंत्रों का उच्चारण होता है, किसी के घर में टीका लगाना, सुबह उठो सबसे पहले टीका लगाओ, चाहे कुमकुम का लगाओ, चाहे चंदन का लगाओ, या अष्टगंध का, या कोई और भी हो, कोई भी आप टीका धारण करते हैं, आपके जो भी आप जिस इष्ट को फॉलो करते हैं उनकी फॉलो करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, ये सारी चीजें बताई समझाई जाती है। ये आपका हो गया, जो आप जिस कुल में आपने जन्म लिया वहां के रिचुअल्स, उनको आप फॉलो करते हैं, धीरे धीरे अध्यात्म में बढ़ते हैं, और एक दिन आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे हम प्राण ऊर्जा या आजकल के शब्दों में रेखी ऊर्जा कहते हैं। ये आपके हाथ की वाइब्रेशंस होती है जो आपको सभी प्रकार की ऊर्जा शक्ति देने में आपकी मदद करती है। अब ऊर्जा कैसे हम डिसाइड करते हैं, ऊर्जा शक्ति हमारे स्वयं के अंदर है। जब आपको सही पद्धति से वो ऊर्जा शक्ति के नियम समझाए जाते हैं, आपको अध्यात्म से जोड़ा जाता है, या आप हमसे जुड़ते हैं और रेखी के जो मापदंड हैं उनसे होके निकलते हैं, उसके अभ्यास से निकलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में आपके कर्मों अनुसार फल प्रदान करना शुरू कर देती है। इसमें अलग अलग तरीके के पार्ट्स भी आ जाते हैं, ये बहुत अंदर की बातें हो गई। जब आप पूर्णतः इसे सोचते हैं तभी ऊर्जा शक्ति, प्राण ऊर्जा आपके अंदर संचालित हो जाती है। नियम, संयम, विवेक, इन तीन के साथ में आपको इसके साथ आगे बढ़ना होता है। प्राण ऊर्जा या आपके कर्म ऊर्जा, आपके माता पिता से दी हुई ऊर्जा,
आप जिस परिवार में उस ऊर्जा, आप जिस कर्म से आए उस ऊर्जा से आपके आगे के कर्म निर्धारित हो जाते हैं, उसी अनुसार एनर्जी फ्लोट होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग इतना अच्छा रेखी में काम करते हैं कि अपनी बीमारियां तक ठीक कर लेते हैं। बहुत सी बीमारियां जो आपके अंदर हैं, जो कर्मों अनुसार बन गई, जिसे आपने बनाया नहीं पर वो कर्मों अनुसार आपके अंदर आ गई, और आप अपनी प्राण ऊर्जा के साथ में उसको, रेखी के साथ में, अभ्यास के साथ में, हमारे दी हुई पद्धति के साथ में उसे अभ्यास करते हैं, तो वो ऊर्जा संचालित आपके शरीर में होती है, वो बीमारी को वहां से खत्म करना शुरू कर देती है। गंभीर से गंभीर बीमारियां आप कुछ महीनों के या कुछ सालों के, जैसा आपकी बीमारी है उसके अभ्यास से खत्म कर देते हैं। जैसे थायराइड, ये तो मुझे भी दिक्कत थी एक समय, आज से 2012 में मुझे थायराइड हुआ था, जिसके कारण अचानक से मेरा वेट बढ़ गया। मैं समझ ही नहीं पाई भाई मेरा वेट क्यों बढ़ा। जब चेकअप कराया तो डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं थायराइड है, मैंने कहा मैं तो इतना मेडिटेशन प्रेयर करती हूँ कैसे थायराइड हो गया। फिर मैंने अपनी ऊर्जाओं को संचालित किया, उनसे अपना जो वेट बढ़ गया था, हालांकि इस उम्र में जितना मेरा वेट है वो होना स्वाभाविक है, फिर भी अपनी ऊर्जा से मैंने उसे संचालित किया, आज रिपोर्ट्स में वो चीज नहीं आती या वो चीज मेरी वहां पर रुक गई है। डायबिटीज हो गई, आप हमसे जुड़ते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स हैं जो हजारों सालों से गोलियां खा रहे हैं, 18 साल से डायबिटीज है, 20 साल से डायबिटीज है, आप जुड़िए, इसे सीखिए, एटलीस्ट इतना सीखिए कि आप अपनी ऊर्जा को ठीक कर सकें। जब आप ऊर्जा शक्ति को संचालित करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हैं, तो अचानक ही संचालित होना शुरू हो जाती है, नहीं तो आपकी ऊर्जा शक्ति से आप इसे संचालित कर लेते हैं। रेखी सीखने के बहुत अधिक महत्व है। पहला महत्व जो मैं बता रही हूं, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, या होती है तो आप उसे क्योर करना सीख लेते हैं। आपकी स्वयं अध्यात्म के प्रति ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, जैसे हमारी गाड़ी टूट जाती है, हम कोई काम में हाथ डालते हैं उसमें टूट जाता है, या कोई काम नहीं होता, शनि की दशाएं चलती है, इस वक्त कुंभ पे तो चल ही रही है, दशाएं आती हैं, शनि का बार बार प्रकोप आता है, वो तक लोगों ने देखा, इससे काफी शांति महसूस होती है। घर में ग्रह कलेश झगड़े या छोटे बच्चों में नजर दोष लग रहा है, वो तक रेखी से खत्म होना शुरू हो जाता है। सही माध्यम से मकाऊ सुई की रेखी सबसे पावरफुल रेखी है, क्योंकि उन्होंने गहन चिंतन अभ्यास से उसे प्राप्त किया, और वही गुरु शिष्य परंपरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके नियंत्रण अभ्यास और चिंतन से आप अपनी एनर्जीज को हायर एनर्जीज में करना शुरू स्थापित कर लेते हैं, और उनको हायर एनर्जीज में डालना शुरू कर देते हैं। अभ्यास सिंबल्स का यहाँ पे रोल, आपके मेडिटेशन का रोल, कार्मिक लोग, और आपके अंदर स्वयं परिवर्तन आ जाता है। यहां तक कि जिन्होंने रेखी से की है, उनके डिवोर्स के केस हो गए हैं, डिवोर्स की डेट हो गई है, अचानक से पति पत्नी में को समझ में आ गया कि उन दोनों ने कहां कहां गलती करी, और वो केस तक सॉल्व हो गए, उस लेवल तक भी रेखी ने काम किया। उन्होंने मुझे खुद बोला है कि ये स्थिति थी कि हमने सोच लिया था हम अलग ही होंगे, अब कोई चारा ही नहीं, हमने डिवोर्स फाइल कर दिया, और अचानक से लगा नहीं हमसे कहीं गलती हो रही है। आपसे रेखी का ज्ञान लेने के बाद, सीखने के बाद हमें वहां तक ऊर्जा लगी, मतलब लोगों ने मुझे उस रेखी के उस मानदंड तक, जहां पे सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां से भी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर स्थापित होना शुरू हो गई। ये सब क्या है? ये रेखी तो है, ये क्या है? ये आपकी स्वयं की ऊर्जा है। ये क्या है? ये आपके स्वयं कर्म थे, कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्म उस दिन रेखी के रूप में आ गए, आपने अभ्यास किया, चिंतन किया, मेडिटेशन किया, और आज आप यहां तक पहुंचे हैं। रेखी के अनगिनत फायदे हैं, छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जुड़ते हैं तो आप सोचिए, एक सादगी, एक पॉजिटिविटी, और आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है, आपको जीवन जीने के रास्ते मिल जाते हैं। जो लोग को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, हमेशा खराब ही होता है, उन तक पे ये ऊर्जा शक्ति काम करती है। उस शक्ति को आपको समझना होगा, उस शक्ति को आपको मानना होगा। आप उस शक्ति जब जुड़ते हैं, अपनी ऊर्जाओं को वहां स्थापित करते हैं, और जो हमारे बताए हुए तरीके हैं उनको फॉलो करते हैं, मकाओ सुई की रेखी सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे आध्यात्मिक रेखी है, क्योंकि उन्होंने ये रेखी गहन चिंतन और अभ्यास से प्राप्त की है। अगर आप देखेंगे मकाओ सुई की जर्नी, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको समझ में आएगा कैसे उन्होंने चिंतन किया। ये स्पर्श की शक्ति है जो आपके स्वयं के अंदर आपके कर्मानुसार आपको फल प्रदान करना शुरू कर देगी। बस एक ही चीज कहूंगी, चीटिंग मत कीजिए, जो है उसके साथ जुड़ के रेखी का अभ्यास कीजिए,
आप देखेंगे आप आगे अवश्य बढ़ेंगे, रेकी से जुड़ेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियां जो आपने अपने अंदर पाल रखी हैं वो तक खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वेलकम करते हैं ना बीमारियों को। बीमारियां जन्म से हमें प्राप्त तो नहीं होती। अचानक डायबिटीज हो गई 10, 12, 15 साल, 50 साल की उम्र हुई, कैसे हुई? टेंशन ली, टेंशन भी तो हमने ली, हमने खाई, हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, झगड़ा हुआ आपस में, वो हमने कहीं ना कहीं बना लिया, कहीं भाई ने धोखा दिया, कहीं बहन ने दिया, कहीं परिवारजन ने हमसे प्यार नहीं करते, कहीं हम उनसे प्यार नहीं करते। अचानक से हमने ऐसा कोई काम किया जो हमारे बच्चे के रूप में हमसे निकला, हमें रियलाइज हुआ। जब चेतना शक्ति का विचार उच्च स्तर पे होता है और काम नहीं बनते, तब मनुष्य जरूर एक बार सोचता है कि कहीं ना कहीं तो मुझसे गलती अवश्य हुई है जिसके कारण आज ये समय मेरे सामने आया है। चिंतन कीजिए, प्रभु शरण में जाइए, रेखी का अभ्यास कीजिए, नियमों को, मापदंडों को स्थापित कीजिए। जब ये ऊर्जा शक्ति उच्च स्तर से भरती है तो भगवान भी अपने दोनों हाथ खोल के आपको गले लगाता है। रेखी के अंदर हम उस ऊर्जा शक्ति को उच्च स्तर पे स्थापित करते हैं। अपने कर्म जो हमने किए हैं या हो गए अनजाने में, हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं तो भगवान का रेखी के रूप में वो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मैं चाहूंगी कि आप रेखी से जुड़िए, आप मुझसे रेखी अवश्य सीखिए। ये आपकी प्राण ऊर्जा को स्थापित कर देगी हाई डायमेंशन में। जो ब्लॉकेज आपके परिवार में, आपके घर में बंधे हुए हैं, जो सालों से बंधे हैं, जिसे कहते हैं कि कोई दोष हमारे परिवार में लगा है, आप प्रार्थना करके अपने पितरों से, अपने घर के लोगों से वो तक खत्म करने की शक्ति रखते हैं। बस प्रार्थना आपको करनी है, जो मैं आपको नियम बताऊंगी वो फॉलो करने हैं, बाकी भगवान आपको आपके कर्म अनुसार फल अवश्य प्राप्त करेगा। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।